अगस्त था, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में खाना खाने आए हैं गढ़कलेवा में। बट वेट करते करते हमारा क्या भूख ही मिट गया। यहाँ पे थाली भी मिलता है, तो थाली कितना है? हाँ स्पेशल थाली लोगे तो 150 स्पेशल 150 नॉर्मल 100 रुपये स्पेशल 150 पर हम नॉर्मली खाना चाहते थे रखा। ये नॉर्मल थाली है, ये सब मिला है हमको। हम लोग 3 लोग हैं, एक इधर है। हाय करो, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? आप सबको भी खाना खाना हो तो यहाँ पे जरूर आना। अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। ये कढ़ी है, ये बैगन आलू की सब्जी, ये है दाल, ये परवल, ये रोटी, चावल, पापड़, ये पता नहीं सलाद भी है, ये भी है। इतना आप लोगों के लिए काफी है कि नहीं? इसलिए हम लोग स्पेशल थाली मिली है। तो अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे, फिर जाएंगे कहीं घूमने के लिए। आप सबको हम दिखाएंगे जहाँ कहाँ जाएंगे, सब दिखाएंगे। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहना कंटिन्यू, है कि नहीं? मेरे फ्रेंड लोग खाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी। हम आज तैयार भी हो गए हैं, 15 अगस्त का तिरंगा झंडा बन के आए हैं। तिरंगा झंडा दिखाएंगे आप सबको, तिरंगा झंडा कैसे बने हैं। तो मिलते हैं खाना वाना खाने के बाद नेक्स्ट लोकेशन पे। हमारे यहाँ पे खाना पीना हो गया। खाना अच्छा था, टेस्टी टेस्टी खाना था। आज 15 अगस्त सब तरफ तिरंगा तिरंगा दिखेगा, हम लोग भी तिरंगा तिरंगा और ऐसे तिरंगे हैं हम लोग। अच्छा ऐसे तिरंगे नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे ये बाद में दिखाएंगे बाद में। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं आप सबको गढ़कलेवा दिखाती हूँ पूरा। क्या लिखे बिना नोसी के मचान करना चढ़े। ये है मचान, ये है मचान, ट्री हाउस, ट्री हाउस। यहाँ सुंदर सुंदर कन्याएं भी आती है, लेकर आई देखो क्योंकि रायपुर में कभी भी बारिश टपक जाता है, बरसता है तो ऐसा है कुछ गढ़कलेवा। यहाँ के सफाई साफ सफाई में मचाना अच्छा है, खाना देता है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मीर छतरी के साथ में निकल रही है। मिलते हैं, कहाँ जाते हैं देखते हैं। A few moments later. पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। हम आए हैं एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। देख सकते हैं झंडा लगा है। मैं आप लोग यहाँ का व्यू दिखाती हूँ एक बार। ये हमारा आज का चेस करो, ऐसे नहीं हो रहा था।
आ रहे हो तो तुम लोग तो एकदम कैमरा में ही नहीं आ रहे हो। किसको कैप्चर करूं तुमको किसको? हाँ कहाँ कहाँ तो भाग जाती है। ऐसी बना तुम एडिट एडिट कर लेना। इतना पास रहोगे तो ठीक है, लेकिन दूर हो जाते तो कैप्चर नहीं होते। तो कैप्चर नहीं होते कैमरा में तो मैं क्या करूं? तो हम लोग बहुत इंजॉय किए यहाँ पे एयरपोर्ट में। बहुत गर्मी थी आज, और आज ही के दिन पता है आज ही के दिन धूप कर रहा था कि नहीं? तो गुस्सा आ रहा था ना। हमने सोचा कि शाम होती तो फोटोज वगैरह अच्छा नहीं आता है, तो हम जल्दी निकल के आ गए। बट यहाँ पहुँचने के बाद तो भाई साहब पसीनों चिप चिप फोन में तो थोड़ा अच्छा भी दिख रहा था, बट हमारा ना तो फोटो अच्छा आया ना वीडियो अच्छा बना, क्या ही बताए हम सबको। बस परेशान हो गए, 15 अगस्त कैसे की तैसी होगी हमारी। ये मेरा पुराना ब्लॉग देख रही है, आप सब भी नहीं देखा तो देखना जा करके, हमारे फ्रेंडशिप डे वाला ब्लॉग है। अभी शाम हुई तो हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी हम जाएंगे घर, यहाँ से घर जाए। वीडियो बना रही है इसको, ये ज्यादा सुंदर है ना अपने ग्रुप में, तो फोटो खिंचाने के लिए बुलाए थे। अच्छा मेरे को नहीं बुलाए थे उन लोग, फोटो क्लिक करवाने के लिए किसी को बुलाए थे, मैं क्लिक करवाने के लिए। और जिसको फोटो खींचने आता वो नहीं गई थी। हाँ मेरे को फोटो खींचने आता है, मेरे ग्रुप में मेरे को फोटो खींचने आता है। तो अभी हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। आईफोन दिए थे, पढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी हम लोग कौन से नेक्स्ट लोकेशन हमारा क्या है। क्या बोली वो उसकी उसकी गर्लफ्रेंड धोखा दे दी, ये पीछे से चलता है ना उसको बोले वो स्माइल नहीं कर रहा। मैं बोली वही स्माइल नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा था स्माइल बोलना तो अभी हम लोग फिर फोटो वोटो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। मेरी आवाज अच्छी नहीं है यार, सड़ी सी आवाज है मेरी। तो चलते हैं अगला एयरपोर्ट। अभी शाम हो रही तो एयरपोर्ट अच्छा दिखेगा, आप लोगों को दिखाऊंगे अगर हम रुकते हैं। लाइटिंग वाइटिंग आ रहा है ना, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है? फोटो खींचा सकते हैं, अच्छा था। मैं नहीं जाऊंगी। और देखो अभी लाइट जली है, अच्छी दिख रही है। अंदर तो जाने अलाउ नहीं है, अंदर जाना नहीं तो फाइन ले लिया जाएगा 500 रुपए फोकट में। तो ये है हमारे रायपुर का एयरपोर्ट, और इधर झंडा भी है बड़ी वाला। अच्छा इसको तो नहीं उतारे, अच्छा लग रहा ना। इधर एयरपोर्ट है, और शाम होगी ना मतलब और थोड़ा रात होगा तो और अच्छा दिखेगा, बट अभी हम घर जा रहे हैं तो इतना ही दिखा सकती हूँ। और ये लोग थक गए, खाना नहीं पच रहा है एक फ्रेंड का, इतना ज्यादा खा लिया गर्ड कर मेरे को भी। A few moments later. हम लोग ये खाने आए हैं, बहुत भीड़ है, लड़का लोग खा रहे हैं, ब्लर ब्लर आता है लेकिन। और हम लोग का हालत भूतनी जैसा हो गया है, भूतनी छतरी वाली। हम पार्सल करा लिए हैं पार्सल, मैं तो पागल जैसे हो गई। प्याज डाल।
अभी हम घर पहुंच गए हैं, अभी हम खाना पीना करेंगे। हाय सब थक गए। आज हम लोग बहुत घूमे पूरा रायपुर छान मारे, पूरा रायपुर का राउंड मारे, पूरा रायपुर घूम घूम के इंडिपेंडेंस डे मनाए हम लोग। आप सब कैसे मनाए कमेंट करके जरूर बताना। गाड़ी से क्या क्या निकालो, उसको भी निकालो, सामने है क्या? देखो हमारा झंडा, हमारी धन्नो रानी। अरे हमारा घर इधर, अभी हम जाएंगे अंदर। चलो भैया, पैर दर्द दे रहा है यार सीरियसली। हमारी रक्षा कवच नहीं है आजकल। डेमी क्या नाम था, पैशन। तभी हम चलते हैं घर। अरे पैर दुख रहा है। तो गए, अभी हम लोग घर पहुंच गए। बहुत थक गए। देखो इधर हमारा फोटो रखे। कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हम लोग खाना पार्सल लेकर के आए हैं, उसको अभी हम लोग बैठ के खाएंगे। देखो आधे लोग लेट गए, थक गए, लेट गए। तो आज यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट, जो भी होगा बहुत जल्द आएगा। तो आज के लिए नेक्स्ट संडे बिलासपुर टूर रहेगा हमारा, खुटा घाट का ब्लॉग। बच्चे लोग को ना वो कर दी, क्या बोलते हैं, खुटा घाट का ब्लॉग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।